बुद्ध को याद कर पीएम मोदी ने दी गुरु पूर्णिमा की बधाई, कहा जहां ज्ञान वहीं पूर्णिमा, आज एक दूसरे का हाथ थाम रहे दुनिया के देश। अर्थव्यवस्था को लेकर घिरी मोदी सरकार, मनमोहन सिंह बोले देश की अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह कठिन, प्राथमिकताएं दुरुस्त करे भारत। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय असम दौरा, पूर्वोत्तर राज्यों में सीएम से करेंगे मुलाकात, महामारी को लेकर करेंगे चर्चा। मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने बढ़ाए कदम, विधानसभा चुनाव से पहले घर घर संपर्क करेगी बीजेपी, आज से मठ मंदिरों में दस्तक करेंगे कार्यकर्ता। टीएमसी से नजदीकी बढ़ाएगी कांग्रेस, नेता दीप्तिमान घोष का बयान, टीएमसी के साथ दोस्ती अधिक कुश्ती कम करने की कोशिश करेगी पार्टी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, बीएल संतोष ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। राजस्थान बोर्ड के 12वीं कक्षा के नतीजे आज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जारी करेंगे रिजल्ट, हजारों छात्रों ने किया था रजिस्ट्रेशन। फिर बढ़े महामारी के आंकड़े, देश में बीते 24 घंटे में 39,097 मामले, 546 लोगों की गई जान, बीते 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या 3,464 बढ़ी। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ का कहर, कुदरत के कहर के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 136 हुई, महाराष्ट्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। भारत ने लहराया जीत का परचम, तीसरे ओडीआई में श्रीलंका ने इंडिया को 3 विकेट से हराया, सीरीज भारत जीता। चुनावी रैली में पाक पीएम इमरान ने फिर उठाया कश्मीर मसला, कहा अपना हक किसी को नहीं लेने देंगे, अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगले हफ्ते भारत दौरे पर होंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अफगानिस्तान और चीन मुद्दे पर नजर। यूरोप में 12 से 17 साल के बच्चों को लगेगा मॉडर्ना का टीका, ईयू ने 4 हफ्ते में 2 डोज लगाने को दी मंजूरी। भूकंप के तेज झटके से सहमा फिलीपींस, रिक्टर स्केल पर 6.7 थी तीव्रता, किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं। टोक्यो ओलंपिक में जीत की राह पर भारत, हॉकी के ओपनिंग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। आज 7वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.84 रुपए, जबकि डीजल का दाम 79.87 रुपए प्रति लीटर। बृहस्पति ग्रह पर पहुंचने की योजना, 2 साल बाद बृहस्पति ग्रह पर रॉकेट भेजेगा नासा, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स संग किया करार। मानसून की धीमी रफ्तार से महंगाई बढ़ने की टेंशन, अभी तक धान की बुवाई 7% कम, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दी जानकारी। प्राइवेट ट्रेन चलाने में कंपनियों ने दिखाई खूब दिलचस्पी, रेलवे को 7200 करोड़ रुपए की बोली मिली। महामारी का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी गहरा असर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 7% घटा।